बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती और अपनी ज़िंदगियों में मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। जी जितने मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नहीं है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जी आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करें। तो आज है ना एक ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है जी गाजरें और ये साथ है जी सूजी। गाजर और सूजी की मैं बनाने लगी हूँ जी बर्फी, मज़ेदार सी अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। गाजर सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसके साथ साथ जो सूजी है वो भी बहुत ही अच्छी है। सर्दियों में ख़ास तौर पे सूजी अपने बच्चों को देनी चाहिए, तो इसी वजह से एक बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैंने गाजरें ली हैं, गाजरों को अभी जो है ना मैं छील रही हूँ, छीलने के बाद इनको जो है ना वो कद्दूकस करूँगी। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बन रही है जी सूजी और गाजर की मज़ेदार सी बर्फी। गोलू को है जी बेसब्री से इंतज़ार और रबील फातिमा जो कच्ची सूजी उठा उठा के खाना जरूर उसमें कर दी है। नहीं खाओ बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छन्नी मैंने ली है जी सूजी की, गाजरों के मैंने कद्दूकस करके साइड पे रख लिए और इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ड्राई ही मैंने इसको भूनने अच्छे से इसको भून लेती हूँ। जब खुशबू आना शुरू हो जाए फिर हम जो है इसको उतार लेंगे जी चूल्हे से नीचे। जी माशाल्लाह से सूजी हमारी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, अभी मैं उतारती हूँ जी इसको नीचे। लेकिन आपने सूजी को भूनने से पहले जो है ना अच्छे से पहले देख लेना है, इसको छान लेना है, इसको साफ़ करना है, उसके बाद आपने इसकी भुनाई करनी है। सूजी साफ़ किए बगैर आपने जो है ना इसको रोस्ट नहीं करना, क्योंकि इसमें कई बार कंकरियाँ भी होती हैं, दुकान से लेके आए तो दुकान में वो कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना वो जा सकती हैं, लिहाजा साफ़ सुथरी चीज़ जो है ना वो हमें करके ही बनानी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सूजी हमारी हो चुकी है, अभी इसको निकालती हूँ जी प्लेट के अंदर। अच्छा जी कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा हल्का सा जो है ना वो घी डाला है, अब इसके अंदर डालती हूँ जी ये कद्दूकस किए गाजर। चमचा जो है ना हमें गाजरें डालने के बाद बराबर का हिलाते जाना है, हमें इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो गाजरें डालने के बाद हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पे यानी मीडियम आंच पे जो है ना हल्का हल्का सा साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे। जी गाजरें माशाल्लाह से कलर हमारा काफ़ी उसका चेंज हो चुका है, अभी एक कप दूध जो है ना इसके अंदर डालते हैं। दूध डालने के बाद भी हमने चम्मच जो है ना बराबर का ही हिलाते रहना है। अच्छा जी माशाल्लाह से गाजरें दूध के साथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो चुकी हैं, अभी मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ जो हमने रोस्ट की हुई सूजी रखी थी वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूजी डालने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने चम्मच जो है ना बराबर का ही हिलाते जाना है। जी अभी हम डाल रहे हैं जी इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चीनी।
घी मैंने इसके अंदर अभी जो है ना दोबारा से ऐड की है, ताकि इसकी अच्छे से एक बार जरा भुनाई हो जाए। अगर देसी घी में बनाएंगे तो माशाल्लाह क्या ही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी बनेगी, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है जी। घी माशाल्लाह से हमारा जो है ना वो कढ़ाई ने छोड़ना जो है ना वो शुरू कर दिया है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो है ना वो बर्फी तैयार हो रही है। थोड़ा सा बाकी रह चुका है इंशाल्लाह ताला। ये है जी मेरे पास जो है ना मैंने नारियल को कद्दूकश किया है, इसके अंदर ये डालती हूँ बिस्मिल्लाह। और ये है जी बादाम, बादाम को मैं बारीक बारीक जो है ना वो काटती हूँ। माशाल्लाह से हमारा तैयार जो है ना वो बर्फी हो चुकी है। अभी हम निकालते हैं जी इसको एक प्लेट के अंदर। बिस्मिल्लाह कटे हुए बादाम माशाल्लाह से जो है ना इसको बढ़ा रहे हैं जी। माशाल्लाह से हमारी जो है ना गाजर और सूजी की मज़ेदार सी बर्फी ज़बरदस्त हो गई है जी तैयार। अभी हम इसको टुकड़ों में जो है ना इस तरीके से काट लेती हैं, ट्राई करिएगा इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत मज़ेदार लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा। खुद भी खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, यूनिक चीज़ है, बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेगा। आप सबकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करें, आप सबका जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ट्राई करेगा इंशाल्लाह ताला अच्छी लगेगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جی میں ٹو فیملی برفی ہم نے گھر میں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، مما نے بنا کر یہ بہت مزیدار بہت ٹیسٹی بنی ہے، آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کرے گا۔ آپ سب کے سپورٹ کے میں بہت زیادہ میں سپورٹ کریں، آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔